हम ये जानते हैं हीट क्या होता है। अब हम पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, हीट क्या होता है। हीट है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। क्या है हीट? एक तरह की एनर्जी है जो मिल्स, हीट एक तरह की एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एग्जांपल, अ मैन वर्क, अ मैन वर्क डन मीन्स एक आदमी अपना उसका काम खत्म हो गया है। मीन्स जैसे कोई आदमी अपना काम कर रहा है तो वो अपना काम खत्म कर चुका है, तो जब वो खत्म करेगा तो उसके शरीर से एक एनर्जी निकलेगी। मीन्स जैसे गर्मी निकलती है, ऊर्जा, तो वही हमारी क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। हमारी कई टाइप्स की एनर्जी होती है, हीट एनर्जी जो होती है वो हमारे तब प्रोड्यूस होती है जैसे कोई इंसान अपना काम खत्म कर देता है, तो वो जब काम खत्म करता है तो उसके क्या एनर्जी प्रोवाइड होती है। जैसे कि अगर एक फार्मर खेत में काम कर रहा है तो वो अपना जब काम खत्म कर लेगा तो उसके शरीर से पसीना निकलेगा, गर्मी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी होती है। हमारी एक और टाइप की एनर्जी होती है, एक होता है हमारा हीट एनर्जी, हमारी मिलती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी होती है जो सूर्य होता है। सोलर का मीन्स जैसे सूर्य की रोशनी, मीन्स सूर्य की ऊर्जा जो मिलती है सोलर एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी, जो सूर्य के धूप से हमें मिलती है। तो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं। हमारा एक टॉपिक है जैसे एनी, हम इसे लिख लेते हैं, एनी मेंबर इन आवर फैमिली सफर सफरिंग फ्रॉम फीवर। मीन्स कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में क्या बोलते हैं, बीमार है। मीन्स एनी मेंबर इन आवर फैमिली, कोई हमारे घर में बीमार है तो उसके शरीर से क्या होती है, हीट प्रोवाइड होती है, हीट, तापमान निकलता है उसके शरीर से, गर्म होता है, तो उसे पता चलता है कि वो बीमार है। तो वो किससे नापा जाता है, वो हमारा नापा जाता है थर्मामीटर। किससे नापा जाता है, थर्मामीटर से नापा जाता है। तभी तो हम डॉक्टर आता है तो थर्मामीटर से नापता है तो पता चलता है कितने उसका तापमान है, हीट है, तो उससे पता चल जाता है कि वो बीमार है कि नहीं बीमार है। चलिए, तो थर्मामीटर से कैसे नापा जाता है, थर्मामीटर का आविष्कार डीजी फारेनहाइट ने किया था। किसने किया था, डीजी फारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था, थर्मामीटर का आविष्कार किया था। इनका जो नाम है फारेनहाइट, तो इनसे इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, फारेनहाइट निकालने का और सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला। तो अब वो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला हमारा हो गया फारेनहाइट का फॉर्मूला। सेल्सियस का हमारा फॉर्मूला निकालने का होता है 5/9 F-32। क्या होता है, 5/9 F-32। हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर के जो क्वेश्चन है उसके वो माइनस में है। अगर माइनस में मान लीजिए हम ना भी लगाएं तब भी हमारा जो आंसर आएगा इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके आगे हम क्या, फारेनहाइट मान लीजिए हमारा दे दिया गया है, फारेनहाइट इज इक्वल टू 35। तो हमारा कैसे आएगा, 5/9। तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 35 - 32 हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 3 होगा। तो हमारा 3 इस तरह आ गया सेल्सियस, फिर 3 × 1 = 3 and 3 × 3 = 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो सेल्सियस है, सेल्सियस हो जाएगा 5/3 degree, हमारा क्या निकल जाएगा, सेल्सियस निकल जाएगा। ये तो था हमारा किसका फॉर्मूला, सेल्सियस निकालने का। अब हम जानते हैं फारेनहाइट हम कैसे निकालते हैं, फारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है। फारेनहाइट का फॉर्मूला होता है जस्ट इसका अपोजिट। फारेनहाइट में हम क्या करते हैं, 5/9 कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, 9/5 करेंगे। उसके बाद हमारा इसमें जो सी दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, +32 करेंगे, और इसमें भी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो इस तरह हम करेंगे सेल्सियस, जैसे हमारा दे दिया गया है 35, क्या दिया गया है, सेल्सियस हमारा, सॉरी फारेनहाइट सेल्सियस दे दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, फारेनहाइट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सेल्सियस दे दिया गया है और हमें फारेनहाइट निकालना है, तो क्या करें, 9/5 और यहाँ पे हमारा सी क्या है, 35 प्लस
32, उसके आगे हमारा फ़ारेनहाइट 9/5, तो मल्टीप्लाई बाई, तो हमारा कितना है 35 और 32 प्लस 67, तो अब हमारा क्या है, अब हम 5 को 67 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, मीन्स क्रॉस में कट नहीं रहा, तो इसे हम क्या कर लेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन में, तो हमारा जो फ़ारेनहाइट है वो निकल जाएगा। तो इस तरह हम फ़ारेनहाइट निकाल रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है डे और नाइट को करने को क्या कहते हैं, मीन्स हमारे कई तरीके के थर्मामीटर होते हैं, क्या होते हैं थर्मामीटर होते हैं, जो हमारा डे एंड नाइट को कन्वर्ट करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो हमारा डे और नाइट को एक दूसरे में डे और नाइट का तापमान बताते हैं उन थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं, उन थर्मामीटर को हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्या कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। तो हमारे कई तरह के थर्मामीटर होते हैं, तो हमारा जो डे और नाइट को कन्वर्ट करता है उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। तो आई श्योर ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा हीट का, तो इस वीडियो में यहाँ तक, अगली वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।